सो हे गाइस, वेलकम बैक, दिस इज दुर्गेश दुबे। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जिसके बारे में कोई नहीं देख रहा, कोई बात भी नहीं कर रहा। आखिरकार ये है क्या? तो दोस्तों, आप जानते रहोगे, ये ड्रग एडिक्शन इंडिया में काफी ज्यादा हो गया। और ये किस लिए हो रहा है? अगर आप देखोगे लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है लीडरशिप के मायने में। तो दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री को वीक करना पड़े, जैसे कि हमारी कंट्री को जो पोटेंशियल है उसको डिफ्यूज करना हो, तो उसके आर्मी को डिफ्यूज करना पड़ेगा। उसकी आर्मी, इंडिया की आर्मी कहां से जाती है? पंजाब और हरियाणा से। और पंजाब और हरियाणा के काफी जो यूथ है ड्रग एडिक्ट है। ऐसा क्यों है? ये एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन जो पंजाब और हरियाणा से बहुत ज्यादा आर्मी ज्वाइन करता है। पंजाब और हरियाणा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये एक गेटवे है इंडिया में एंटर होने का, जिसके वजह से अगर वहां के यूथ अगर ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, तो आप देख, कुछ टाइम पहले आपने देख सुना होगा उड़ता पंजाब मूवी आई थी, और उसमें दिखाया गया था कि कैसे पंजाब के यूथ ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। तो उसी तरह जो एडिक्शन है पंजाब में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और वहां पे इंक्रीज होता है तो उस गेटवे से पूरे इंडिया में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जब पूरे इंडिया में सप्लाई बढ़ जाएगी, तो महाराष्ट्र हो, साउथ इंडिया हो, यूपी हो, बिहार हो, हर जगह प्रॉपर तरीके से ड्रग सप्लाई किया जा सकता है, और पूरे इंडिया के काफी लोगों को वीक किया जा सकता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ड्रग यूज से होता क्या है, आपके न्यूरल माइंड पे अटैक करता है, आपके जो माइंड सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है माइंड का, वो वीक हो जाता है। जब आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, अगर आपकी माइंड की पावर वीक हो जाती है, तो आपकी इंटेलिजेंस भी वीक हो जाती है, आपके जो पोटेंशियल आपके अंदर का वो भी खत्म होने लगता है। आपकी इंटेलिजेंस वीक हो गई, अगर आपकी मेंटल एबिलिटी खत्म हो गई, तो आप क्या कर सकते हो? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। और इंडिया में अगर धीरे धीरे लोग ड्रग एडिक्ट होने लगे, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 0. मतलब अभी जो परसेंटेज 0.1 0.2 है, जो जॉब नहीं मिलने का रीजन है ड्रग एडिक्शन, वो बढ़ सकता है। और यही कारण है कि इंडिया में अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, और ड्रग एडिक्शन में बैन लगना चाहिए, और लोगों को समझना पड़ेगा इसके रीजन क्या है। अगर आप देखोगे अमेरिका से या फिर बहुत सारी कंट्री से इंडिया में जॉब आती है, क्योंकि उनको पता है इंडिया में काफी ज्यादा पोटेंशियल लोग हैं, काफी ज्यादा काबिल लोग हैं, और इनके पास काफी ज्यादा पोटेंशियल है किसी भी काम को करने का एफिशिएंटली। और अगर पहला रीजन ये है अमेरिका की कंपनी इंडिया में क्यों आती है जॉब्स के लिए, और इंडिया के लोगों को जॉब्स ऑफर ये क्यों करती है, पहला रीजन कि इंडिया में 8 times कम इनकम में, मतलब उनको सैलरी 8 times कम देते हैं, फिर भी एक एफिशिएंटली कोई भी काम करके उनको मिल जाता है, जो कि वहां पर अगर वो अमेरिका में सेम काम देंगे तो उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा, पर इंडिया में 8 times लेसर पे करके भी उनका काम हो जाता है। और सेकंड मेन रीजन ये है कि अमेरिका की 70% पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन, वो ड्रग एडिक्ट है। अगर वो ड्रग एडिक्ट है तो वो ज्यादा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, उनकी मेंटल एबिलिटी, थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वीक होती है, जिसके वजह से अगर आप जॉब्स की बात कर लो, डेवलपमेंट की बात कर लो, नेशनल डेवलपमेंट की बात कर लो, जो कि ऑल अराउंड द ग्लोब देख लोगे, इंडिया में अगर आप गूगल की कंपनी की बात करोगे तो वहां पर भी इंडियन एम्प्लॉई है बहुत ज्यादा, अगर आप फेसबुक में देख लोगे तो फेसबुक में काफी ज्यादा इंडियन एम्प्लॉई है, क्योंकि इनके पास पोटेंशियल है। अगर आप, यही रीजन है, सेकंड रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था अमेरिका का, कि वहां की 70% पॉपुलेशन ड्रग एडिक्ट है। तो ये रीजन इंडिया में ना हो जाए, तो इसके लिए हमें ख्याल रखना होगा। और ये कॉन्स्पिरेसी थियरी है जो इंडिया को वीक करने का। दोस्तों, अगर इंडिया के भी लोग ड्रग एडिक्ट बनने लग जाए, तो इंडिया में भी जो जॉब्स आ रही है ये जॉब्स नहीं आएगी, ये कहीं और जॉब्स जाएगी। और यही कारण है जो हमारे पड़ोसी देश है इंडिया को ड्रग एडिक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे इंडियन यूथ को, जो इंडिया का यूथ पॉपुलेशन है, इनको वीक करते जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि इंडिया के अगर यूथ वीक हो जाएगी तो यहाँ के लोग आर्मी में नहीं जाएंगे, अगर आर्मी में नहीं जाएंगे तो ये इजी हो जाएगा किसी भी देश पे कंट्रोल पाना और एंटर होना इजीली। और यही रीजन है कि जो आसपास के पड़ोसी देश है, इनके देशों के थ्रू ही इंडिया में जो ड्रग सप्लाई होती है यहीं से होती है, तो चाहे वो आप जानते रहोगे पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, हर जगह से घूम के ड्रग इंडिया में एंटर होता है। क्योंकि अगर आप जानते रहोगे, पड़ोसी देश जो भी इंडिया के हैं, वो इंडिया को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, और ऐसे लोग जो इंडियन कल्चर को सपोर्ट नहीं करते, जो ऐसे रीजंस को सपोर्ट करते हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, तो उनकी 5 उंगलियां घी के अंदर है, इन्हें पता है इंडियन अगर इकोनॉमी धीरे धीरे इंडियन इकोनॉमी को वीक करेंगे, धीरे धीरे इंडियन यूथ को वीक करेंगे, मेंटली अगर कोई भी देश वीक होता है, स्लोली एंड स्टेडिली उन पे काबू करना आसान हो जाता है। अगर मेंटली अगर आप वीक हो, इंटेलिजेंस आपकी कम है, तो आप के ऊपर कंट्रोल पाना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंड के हो। दोस्तों, ये इंडिया के अगेंस्ट एक काफी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके बारे में शायद आपने नहीं सोचा होगा। अगर आप देखोगे, और ये ड्रग्स आखिरकार फैलता कैसे लोगों में, कैसे लोग ड्रग एडिक्ट बनते चले जाते हैं,
अपने जानते रहोगे, कुछ दोस्तों में मिले वो बोलते हैं कि एक बार ट्राई तो कर, देख यार क्या कुछ नहीं है, छोटी सी चीज है, ट्राई करके देख कुछ नहीं होगा। लोग बोलते हैं नहीं 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 करना ट्राई, फिर भी लोग बोलते थोड़ा सा एक बार ट्राई तो कर, बहुत लोग कर लेते ट्राई, फिर धीरे धीरे वो एडिक्ट बनते चले जाते हैं, वो एक और ट्राई और ट्राई कर करके वो इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता वो कब एडिक्शन में आ चुके हैं। तो यही रीजन होता है जिसके वजह से इंडिया में भी लोग ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं। अगर आप ऑन रिकॉर्ड देखोगे तो महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है, 2018 में रिकॉर्ड किया गया था एनडीपीएस एक्ट के तहत, 1985 ड्रग एक्ट जो है, इसमें भी महाराष्ट्र का जो लेवल है, जो कि अर्बन स्टेट्स हैं, पहले की जो लोग थे इतने ज्यादा ड्रग एडिक्ट नहीं थे, पर स्लोली एंड स्टेडीली अब महाराष्ट्र में भी ये ड्रग एंटर हो चुका है। इंडिया महाराष्ट्र टॉप पे था 2018 में और उसके बाद पंजाब था। हालांकि हम जानते हैं पंजाब एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जो सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 30% ड्रग एडिक्शन इंक्रीज हो चुका है। और अगर आप देखोगे, अगर आप इफ यू लुक इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द ड्रग रिकॉर्ड इन इंडिया में कैसे कैसे धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, तो 70% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन आर नाउ ड्रग एडिक्ट, 70% ऑफ द यूथ पॉपुलेशन। और उसमें भी जो ड्रग एडिक्ट है और कुछ ऐसे एज ग्रुप है, 11 से लेके अगर आप बात करोगे 11 साल से लेके 12 साल से लेकर 20 साल तक या 22 साल तक, इसमें कुछ 12-26% लोग आते हैं। और ऐसी अगर आप देखोगे ऐसी परसेंटेज बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे, 20 से लेके 30 में आते हैं, 26% उसके ऊपर आते हैं काफी अच्छे लेवल पे, फिर ड्रग मतलब ऐसे एक एज में जब आ जाते हैं 35 से लेके 40 साल में, तो इनको पता भी नहीं चलता और ये एकदम नॉर्मल हो जाता है और मेंटली आप वीक हो चुके हो और आपका जो यूथ है वो मतलब खत्म हो चुका है, यूथ का बचे नहीं है। और आप जानते रहोगे बहुत ज्यादा कैसे वायरल होता है, कैसे ये फैलता है, ये कॉलेजेस में सबसे ज्यादा, अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में कोई ना कोई आपको ऐसे मिल जाता है जो कि हर कॉलेज में होते हैं ड्रग एडिक्ट लोग, ड्रग एडिक्ट चाहे वो अल्कोहल हो, मरीजुआना लेते हो या फिर कोकेन पाउडर जो भी लेते हो, कुछ ना कुछ ड्रग एडिक्ट बनते ही चले जाते हैं। तो आखिरकार ऐसा क्या करें, जो सॉल्यूशन क्या है इसके पीछे का, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है। तो अगर नंबर वन अगर देखेंगे, अगर आप बात करोगे किसी भी कॉलेज या स्कूल में, अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर दोगे उनको सिखाना कि क्या हो सकता है, जो कॉन्स्पिरेसी थियरी की बात की, अगर इंडिया मेंटली वीक होगा तो वो जो फिजिकली भी वीक हो जाएगा। कोई भी इंसान मेंटली वीक हो तो फिजिकली बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकता जब तक वो मेंटली फिट ना हो। मेंटल फिटनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस, राइट। अगर आप देखोगे, अगर आपका मेंटल एबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप फिजिकली भी फिट हो जाओगे। हम देखेंगे इंडिया का जो सर्विलेंस है, जो यहाँ पे सप्लाई देखते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटीज पे देखते हैं कि सप्लाई ना हो पाए, इंडिया में रोक लगाई जाए, जो एनडीपीएस एक्ट है इसके तहत लोगों को मतलब जो भी है खत्म किया जाए ड्रग एडिक्शन, पर ये इंडिया बहुत अच्छे गवर्नमेंट काम कर रही है, पर स्कूल्स को भी स्टार्ट कर देना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना कि क्या क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज है, वो बताना स्टार्ट करना होगा। जो अवेयरनेस है ये ज्यादा क्रिएट करनी होगी लोगों के बीच, अगर लोग ज्यादा अवेयर होंगे तो मेंटली स्ट्रांग होंगे, उनको पता होगा कि आखिरकार ऐसा क्या उनके साथ गलत हो सकता है अगर वो इसी तरह ड्रग एडिक्शन में लिप्त है तो। और सेकंड रीजन है स्पिरिचुअलिटी, अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो, आपका मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप ऐसे एडिक्शन में नहीं फंसोगे। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है प्रभुपाद जी। सर प्रभुपाद जी जो थे, इन्होंने जब 1960s में जब वो अमेरिका गए थे, तो जो वहाँ के हिपीस लोग थे, वहाँ के लोग काफी ज्यादा ड्रग एडिक्ट लोग थे, और उन्होंने उनको भगवद गीता के बारे में बताया, उनको समझाया, उनको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कराई, तो वो स्लोली उन्होंने भी स्लोली उन्होंने भूल गए क्या रीजन होते हैं, वो उनका भी एडिक्शन छूट गया। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाओगे तो आप ऐसे सारे एडिक्शन में खुद ही नहीं फंसोगे और आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे अपने नेशन को लेके। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाना। और आपको भी अगर इस वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि ये कॉन्स्पिरेसी कहां तक जा सकती है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना या फिर किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि लोग अवेयर हो पाए और इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को समझ पाए। आई होप अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।